सुंदरगढ़ नाम के गांव में हरि और उसकी पत्नी दोनों शांति से रहते थे। परंतु एक दिन रात को हरि की पत्नी के दिल में एक इच्छा जागृत हुई और वो उठकर बोली, क्या हुआ, सुन रहे हो क्या? अरे क्या हुआ है? मैं बोल रही थी, शादी के बाद तो हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए, चलते हैं ना कहीं। इतने रात को तुम कहाँ घूमने जाने को बोल रही हो? अरे बाबा, अभी की बात नहीं कर रही, कल सुबह हम लोग जंगल में घूमने जाएंगे। समुद्र पहाड़ रहते तुम कहाँ जंगल के बारे में सोच रही हो? अरे और मेरा कल मुखिया जी के यहाँ पे जंगल साफ करने का काम है। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। तुम तो जानती हो मुखिया जी कितने गर्म स्वभाव के हैं। कल सुबह मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मतलब जाना है बस। ठीक है ठीक है ठीक है। उफ। अरे वाह, कितना सुंदर है ये जंगल। तुम ना पिछले जन्म में जरूर पेड़ के आगे पीछे घूमते रहती थी। मुझे तुमने बंदर बोला? अरे लड़कियां बंदर कहाँ होती हैं, बंदरिया होती हैं। क्या? तुमने मुझे बंदरिया बोला? रुको, तुम्हें तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर शेर, भागो भागो भागो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो शेर। देखो शेर सामने ही घूम रहा है, लेकिन गुफा का द्वार छोटा है इसलिए अंदर नहीं आ पा रहा है। अच्छा, गुफा के अंदर वहां से कोई शब्द सुन पा रही हो? चलो तो सामने जाके देखते हैं। बचाइए साधु बाबा, वो भयंकर शेर हमें खा लेगा, हमें बचा लेगा। शांत हो जाओ बेटी, मेरी इस गुफा में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु बाबा, वो बड़ा शेर हम लोगों को खाने के लिए गुफा के बाहर दहाड़ रहा है। चिंता तुम मत करो, ये लो ये लाल कपड़ा तुम्हारे पास रखो। इससे क्या होगा बाबा? आज के बाद अगर किसी भी भयंकर प्राणी ने तुम पर हमला किया, उसी वक्त ये लाल कपड़ा उसे दिखा देना, और उसके बाद इस कपड़े के स्पर्श से ही वो भयंकर प्राणी किसी शांत और छोटे से प्राणी में तब्दील हो जाएगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद, हम लोग का प्रणाम लीजिए। डरो मत, साधु बाबा का लाल कपड़ा है ना, उसको सामने पकड़ो। जय साधु बाबा, जय। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सबक सिखाया, बहुत अच्छा सबक सिखाया, ये हम लोग को खाएगा। हरी और हरी की बीवी जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनकी नाव पर एक भयंकर मगरमच्छ। अरे बाप रे, सुनिए ये देखिए ना, हमारे नाव पर कौन सोया है, एक भयंकर मगरमच्छ। भाग्यवान भाग्यवान, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास साधु बाबा का आशीर्वाद के रूप में लाल कपड़ा है। जय साधु बाबा, जय साधु बाबा, जय साधु बाबा, जय साधु बाबा। हा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 ह
मगरमच्छ कैसे देखो छोटा सा मछली बन चुका है। इसको ना साथ में लेकर चलते हैं, इसको मस्त तल के खाएंगे, रात को खाना अच्छे से खाएंगे। हाँ तुमने सही कहा। आ गया बदमाश हरी, बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे टहलने के लिए? मालिक नदी के उस पार अपनी पत्नी के साथ जंगल में घूमने गया था। मेरे मकान के पास का जंगल तो साफ नहीं करता, और नदी पार के जंगल में क्या कर रहा था? वो क्या है ना, मैंने ही उनसे कहा था मुझे घुमाने ले चले। लगता है कलयुग के रामचंद्र आ गए हैं, बीवी के लिए जंगल में सोने का हिरन ढूंढने गए थे। मालिक ये सब बात बिल्कुल नहीं बोलिए, हम लोग गरीब हो सकते हैं तो इसका मतलब हमारे जीवन में खुशी आनंद ये सब नहीं होगा। छतरी से मार के उसका पैर तोड़ दीजिए, घूमना भूल जाएगा वो। ये क्या, आप उन्हें इस तरह क्यों मार रहे हैं? आप इंसान हो, ऐसे कोई मारता है क्या? बहुत अच्छा किया। गांव में एक पागल हाथी आ गया है, वो सबके घर तोड़ देता है, पेड़ पौधे सब कुछ उखाड़ फेंक देता है। गांव के लोग यहाँ वहाँ डर कर भाग रहे हैं। बाबू भागिए यहाँ से, गांव में पागल हाथी घुस गया है, हम उसके पैर के नीचे कुचल के मर जाएंगे। भागने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आप मुझे मार सकते हैं, मगर आम आदमी के तौर पर अपने मालिक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। जय साधु बाबा, जय साधु बाबा, जय साधु बाबा। ये तो अविश्वसनीय है, ये जादू तुमने कैसे किया हरी, बताओ मुझे। ये सब मेरे लाल कपड़े का कमाल है मालिक। लीजिए मालिक, मारिए मुझे, मारिए। मैं और मेरी पत्नी घूमने जाने के कारण आपका काम नहीं कर पाए, मैं अपराधी हूँ, मुझे मारिए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो हरी, तुम्हारी वजह से आज तो पूरे गांव की जान बच गई है, मुझे माफ कर दो हरी। ये क्या बोल रहे हैं मालिक, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे इस मुनीम जी ने तुम्हारे खिलाफ उल्टा सीधा बोलकर भड़काया था, अब मार खाएंगे तो मुनीम जी मार खाएंगे। अरे बाप रे, मैं यहाँ से भागता हूँ वरना ये ही मुझे मारेंगे। कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ, आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। हरी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बकते हो, रुको।